हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 1 उसका अभ्यास करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज आपका सेम 2 उनका पहला दिन, ओके, तो संस्कृत सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप मुझे पहचानते भी हो और मैं आपको जो सेम 2 है उसकी शुभेच्छा भी देना चाहती हूँ कि आप खूब पढ़े, आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जब जब आप जो भी वीडियो देखते हो उसको समझना है, जो टीचर्स आपको लिखने के लिए कहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ साथ, तो हम जरूर एक ना एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 मम अंगानी। मम अंगानी यानी आप जो पहले छोटे हैं स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब सीखा था ना अपने बॉडी पार्ट्स के नेम, तो आज हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे, ओके, तो माय बॉडी पार्ट्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे सुंदर सा चित्र दिया गया है, उसको हमें समझ के पढ़ना है, ओके, तो एक बारी बारी हम चित्र को समझते जाएंगे। सबसे पहले तो हम संस्कृत नाम बोलेंगे, ओके, ये है दंताहा, आप मेरे साथ बोलना, ओके स्टूडेंट्स, दंताहा, ओष्ठः, ललाटम, नेत्रम, नासिका, मुखम, वक्षः, उदरम, केशाः, कर्णः, ग्रीवा, हस्तः, जीवा, उदरम, हस्तः, करतलम, पादः और चरणः, ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, चलिए, तो बोलते भी जाना है आपको और साथ में ध्यान से भी समझना है, बाद में जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तब आपको वो सब लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है दंताहा। दंताहा को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे बताइए। हाँ, गुड, दंताहा को हम कहेंगे टीथ। क्या कहेंगे? टीथ, ओके, टी डबल ई टी एच, क्या कहेंगे? टीथ। फिर है ओष्ठः। ओष्ठः इसको हम क्या कहेंगे? लिप। क्या कहेंगे? लिप, एल आई डबल पी लिप, सॉरी एल आई पी, मिस्टेक से बोल दिया, एल आई पी लिप, ओके, ओष्ठः यानी के लिप। अब आगे हम देखेंगे ललाटम। क्या देखेंगे हम? ललाटम। ललाटम को हम लिखेंगे फोरहेड, एफ ओ आर ई एच ई ए डी, फोर हेड, एफ ओ आर ई एच ई ए डी, फोर हेड। आगे है नेत्रम, उसको हम क्या कहेंगे मुझे बताइए अच्छी तरह से? नेत्रम यानी के आई, ई वाई आई, ओके। अब है नासिका। क्या है? नासिका। नासिका का हम क्या लिखेंगे? एन ओ एस ई, नोज। क्या लिखेंगे? एन ओ एस ई, नोज। फिर है मुखम। फिर क्या है? मुखम, ओके, मुखम का हम लिखेंगे फेस, एफ ए सी ई, फेस। फिर है केसाहा। फिर क्या है? केसाहा, ओके, तो केसाहा का हम लिखेंगे हेयर। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बोलते रहना, ओके, ओ सॉरी, एच ए आई आर, क्या लिखेंगे? एच ए आई आर, हेयर। फिर है कर्णः। क्या है? कर्णः। कर्णः का हम लिखेंगे ईयर। क्या लिखेंगे? ई ए आर, ईयर। फिर है ग्रीवा। क्या है?
ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि ये नेक, एन ई सी के नेक। ओके, अब यहाँ पे वक्ष क्या है, वक्ष, तो वक्ष को हम क्या लिखेंगे, चेस्ट, सी एच ई एस टी, सी एच ई एस टी, चेस्ट। फिर है उदरम, उदरम का क्या कहेंगे हम, स्टोमच, क्या कहेंगे, स्टोमच, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टोमच। ओके, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टोमच। फिर यहाँ पे जीवा, जीवा या नहीं आपकी है, देखिए तो कितनी है, एक है ना। ओके, तो उसका लिखेंगे हम, जीवा का लिखेंगे टंग, टी ओ एन जी यू ई, टी ओ एन जी यू ई, टंग। फिर है हस्त, हस्त का हम लिखेंगे हैंड, सॉरी, हस्त का हम लिखेंगे प्लांट, आर। ओके, हस्त का हम लिखेंगे आम, यहाँ पे ये जो भाग है उसको बोलते हैं हम आम। ओके, तो एक बार फिर इसका रिपीट कर लेंगे, बाद में जो बाकी जो पार्ट है उसका देखेंगे। दंतः यानी टीट, टी डबल ई टी एच, टीट। ओष्ट यानी लिप, ललाटम यानी फोरहेड, एफ ओ आर ई एच ई ए डी। नेत्रम यानी आई, नासिका यानी नोज, एन ओ एस ई। मुखम यानी फेस, एफ एस ई। केसाह यानी हेयर, एच ए आई आई एच ए आई आर, हेयर। कर्ण यानी ईयर, ई ए आर ईयर। ग्रीवा यानी नी नेक, एन ई सी के नेक। जीवा यानी टंग, टी ओ एन जी यू ई। हस्त यानी आर्म, ए आर एम। वक्ष यानी चेस्ट, सी एच ई एस टी, चेस्ट। उदरम यानी स्टोमच। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, जो एक शब्द है उसको पांच बार लिखना है। कितनी बार, पांच बार, यानी कि दंताह उसके सामने डैश करके आपको कैसे लिखना है एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है, दंताह लिखा, ठीक है, आपने तो लिखना है डैश करके टीट, दो बार दंताह उसके सामने टीट, इस तरह आपको पांच बार लिखना है। कितनी बार, पांच बार। ऐसे हर एक जो शब्द है संस्कृत विथ इंग्लिश शब्द आपको पांच बार लिखने हैं। ओके, अब हम दिखते हैं आगे का। चलिए, तो अब हम लिखेंगे करतलम। करतलम यानी के हैंड, एच एन डी हैंड। ओके, पादह, पादह यानी लेग, एल ई जी लेग। चरण यानी के फूट। ओके, तो ये जो तीन बाकी रह गए थे उसका भी आप लिख लेना एक बार स्क्रीन फिर से, लेग, एच एन डी हैंड, और फूट। ओके, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और जो जितने बॉडी पार्ट्स में जितने हमें शब्द दिए गए हैं वह सारे शब्द आपको वन टाइम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे एक बार सब शब्द एक बार फिर से बोलेंगे, दंताह, ओष्ठ, ललाटम, नेत्रम, नासिका, मुखम, वक्ष, उदरम, पादह, चरण, करतलम, हस्त, ग्रीवा, कर्ण, केशाह और जीवा। इस तरह आप हर रोज संस्कृत शब्द बोल रहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।